आईपीएल में आज करो या मरो के मुकाबले में आरसीबी और सीएसके के बीच टक्कर। चेन्नई जीती तो प्लेऑफ में करेगी क्वालिफाई, बेंगलोर को जीत के बाद भी रन रेट से होगा फैसला। चेन्नई की टीम 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर काबिज, बेंगलोर की टीम 12 अंक के साथ सातवें नंबर पर। बेंगलोर में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल में दोनों टीमें अब तक 32 मैचों में हुई हैं आमने सामने। सीएसके ने 21 और आरसीबी ने 10 मैचों में दर्ज की जीत, एक मैच रहा बेनतीजा। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा की भविष्यवाणी, कहा आरसीबी की टीम सीएसके पर पड़ सकती है भारी। आईपीएल में अपने आखिरी मैच में 18 रन से हारी मुंबई, 14 मैचों में 10 हार के साथ आखिरी पायदान पर मुंबई। लखनऊ जीत के बाद भी नहीं कर सकी क्वालिफाई। लखनऊ की टीम ने पहले खेलते हुए 215 रनों का दिया था लक्ष्य, मुंबई की टीम 20 ओवर में 196 रन बना सकी। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 68 रनों की पारी खेली। नमन धीर ने 28 गेंदों में 62 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 16 रन बनाकर लौटे पवेलियन। लखनऊ की तरफ से नवीन उल हक और रवि बिश्नोई ने दो दो विकेट झटके। कृणाल पांड्या और मोहसिन खान को एक एक विकेट मिला। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने 75 रनों की पारी खेली। कप्तान केएल राहुल ने 55 रन बनाए। स्टॉइनिस ने 28 रन जोड़े। मुंबई की तरफ से नुआन तुषारा और पीयूष चावला ने 3-3 विकेट झटके। अर्जुन तेंदुलकर को आखिरी मैच में मिला मौका, अर्जुन अपने 30वें ओवर में चोटिल होकर मैदान में बाहर। लखनऊ के निकोलस पूरन बने प्लेयर ऑफ द मैच। पूरन ने 8 छक्के और 5 चौके की मदद से 75 रनों की पारी खेली। मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने साधा निशाना, कहा जरूरी नहीं शाहरुख सलमान आमिर खान अगर एक फिल्म में हो तो वो हिट होगी। जीत के लिए बड़े नाम नहीं मैदान पर परफॉर्मेंस देना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तान पैट कमिंस ने स्कूली बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है हैदराबाद। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने लिखा इमोशनल पोस्ट, फैंस और टीम का दिया धन्यवाद। गिल ने लिखा बेहतरीन यादों से भरा रहा सीजन। आरसीबी ने विराट कोहली के साथ शेयर किया वीडियो, विराट कोहली ने बेटी वामिका को लेकर वीडियो में किया बड़ा खुलासा। विराट कोहली बोले वामिका को बल्ला पकड़ना पसंद है, बचपन से ही बैट घुमाना सीख रही है, बाकी भविष्य में उसे जो करना है उसकी मर्जी। T20 वर्ल्ड कप के टीम चयन पर बोले BCCI सचिव जय शाह, IPL के प्रदर्शन से नहीं चुनी जाती वर्ल्ड कप की टीम, विदेशी धरती पर खेलने का अनुभव भी जरूरी। T20 वर्ल्ड कप से पहले ICC ने जारी किया वार्म अप मैचों का शेड्यूल। 27 मई से 1 जून के बीच खेले जाएंगे 16 मैच। भारत 1 जून को बांग्लादेश से खेलेगा अपना मैच। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान। मेंस टीम में शरत कमल, हमीत देसाई और मानव ठक्कर। विमेंस टीम में मनिका बत्रा, श्रीजा कुला और अर्चना कामत का नाम। फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के लिए मेजबान देश का ऐलान। फीफा ने दी जानकारी, ब्राजील होस्ट करेगा टूर्नामेंट।